Hey guys, welcome to this book manthan program where I am decoding the book called Sales Ka Sikandar written by me Ravi Sachar. So every Sunday मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए और हर महीने मैं एक किताब लेके आता हूँ जिस किताब से मैं तीन लेसन एवरी वीक आपको शेयर करता हूँ। देखिए आपका भविष्य, आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल, आप कितने कामयाब होंगे सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं और दूसरा, आपके यार दोस्त कैसे हैं। मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था बहुत साल पहले कि आप मेरे साथ 5 मिनट बैठिए और मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए और ये बताइए वो लोग करते क्या हैं, तो मैं 5 मिनट के अंदर आपका फ्यूचर बता दूंगा। ये मेरे मेंटर ने मुझे बताया था और एक्चुअली में जब मैंने एक्सरसाइज करी एंड ही सेड लाइक It's very tough for me to become successful. You know what? Because that time, मैं किताबें पढ़ता नहीं था। मेरे जो यार दोस्त थे, वो भी ऐसी थे। क्योंकि a burst of a weather flocks together. ये सच्ची कहावत है कि कहते ना, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह की उनकी आदतें होती हैं, वो एक साथ ही रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप सोचिए आज आपकी इनकम कहां है, आप सोचिए जो आपके यार दोस्त हैं उनकी इनकम क्या है, क्या जिंदगी ऐसी ही बिता देना चाहते हैं या लाइफ में एक जिंदगी मिली है उस जिंदगी में जहां तक कामयाब हो सकते हैं वहां तक कामयाबी चाहिए आपको। टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम पास काम मत कीजिए लाइफ में। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, इसीलिए मैं जाना जाता हूं इंडिया का लीडिंग सेल्स कोच कहा जाता हूं। ये मैं नहीं कहता, मेरे क्लाइंट कहते हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सेल्स का सिकंदर से 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूं और कुछ मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि जब मैं किताब लिख रहा था तो कैसे किताब लिखते लिखते मैं बीच में लिखना मैंने बंद कर दिया और फिर इस किताब को मैं कैसे लिख पाया और इस किताब से 3 लेसन क्या है। अगला वीडियो एक और आएगा इस बुक के ऊपर एंड देन एट द एंड ऑफ दिस अक्टूबर मैं इस पूरी किताब को डिकोड करता हूं। ये किताब मैंने 2018 में लिखना स्टार्ट किया था और जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि आई वेंट फॉर अ सोलो ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश कसोल और वहां से आया जो जो ने स्टार्ट किया और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ठप। आप समझ सकते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग, काम जो से स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद में ठप। जिम ज्वाइन कर लेते हैं जाना बंद, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं बंद कर देते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। ऐसे पूरा साल निकलने वाला था। अक्टूबर में मैं फिर 2018 अक्टूबर में एक सोलो ट्रिप पे चला गया। इस बार मैं गया था मैक्लोडगंज एंड वहां से फिर मैं गया डलहौजी और वहां पे मैं रात में अपने होटल में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा अपने आप से नाराजगी जब अंदर से आती ना, फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, व्हाई नॉट लाइफ द वे, व्हाई माई लाइफ इज नॉट द वे आई वॉन्ट टू लिव, क्यों, व्हाई व्हाई The problem with most people, they never ask question. मैंने अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, why, 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 why? When I started asking question to myself, then I started finding all the answer. और मुझे जो बात समझ में आई वो ये आई कि इन सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। बट मैं सोच रहा था कि जवाब होगा कि इस कारण से ऐसा नहीं हो रहा, इस कारण से ऐसा नहीं हो रहा। जो बहुत लोग गलती करते हैं वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी किसी और को देते हैं और वहां से मैंने बहुत फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और मैं वापस आया अक्टूबर में ही और दिसंबर के पहले पहले किताब खत्म हो चुकी थी। सो द आइडिया इज लेसन नंबर 1, कुछ भी शुरू करना इजी है। आप लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, आप किताब लिखना शुरू कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, कुछ भी। द इजिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू स्टार्ट एनीथिंग। शुरू कर देते हैं लोग जोर जोर से, बहुत शुरू कर देते हैं, बट टू फिनिश इट इट टेक्स 2 थिंग्स, नंबर 1 कमिटमेंट एंड नंबर 2 विलिंग टू टेक एक्शन व्हेन योर माइंड इज सेइंग डोंट टेक एक्शन। सो यू हैव टू learn how to deal with your mind.
The first lesson, starting is easy, but you have to have the commitment and willingness to take action to finish it. That's the first lesson. So if you are in a mode, आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया था, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था, आपने कोई नई हैबिट इंस्टॉल करी थी, आपने पियानो बजाना सीखना था, आपने शुरू किया था, छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ते थे लाइफ में लोग, तो ऐसा मत कीजिए, या तो शुरू मत करो, अगर शुरू कर दिया है तो हैव अ गट्स टू फिनिश इट। और फिर उसके बाद जब किताब लिख गई तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि मैंने कैसे पब्लिशर से बात करके किताब पब्लिश करी। तो पहला लेसन, गट्स रखो खत्म करने के लिए। अगर आप कोई चीज खत्म नहीं कर सकते हो तो दुनिया में जो 97% लोग हैं वो टाइम पास लोग हैं। आपको पता है 97% लोग लाइफ में कामयाब नहीं है, वो दिखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं बहुत बड़े करोड़पति हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमीर हैं, पर एक्चुअली अमीर नहीं होते लोग। पीपल ट्राई टू शो दैट दे आर रिच पीपल, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर नॉट रिच। हाउ डू आई नो? बिकॉज एज ए सेल्स कोच, व्हेन आई गेट पीपल वन टू वन, व्हेन पीपल ईमेल मी, दे कमेंट ऑन माय पोस्ट, उसमें से 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनके साथ पैसों का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं उनके पास में, और 8 लोग हैं और एजुकेशन MBA फलाने ढिकाने, यहां से कोर्स किया, ये डिग्री ली, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इसको बोलते हैं पढ़े लिखे ब्रोक। आई एम सॉरी, मैं स्टेट फॉरवर्ड टॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं, मुझे पता है ना किसी काम की नहीं होती डिग्रियां। ये मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन, बट वो एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपको लोन दिला सकती है, जो किसी काम की नहीं है, दैट्स कॉल्ड वन इज कॉल्ड सेल्फ एजुकेशन व्हिच इज कैन चेंज योर लाइफ, एंड वन इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, जिससे डिग्रियां मिलती है। तो जो ये ब्रोक लोग होते हैं ये इंटेलेक्चुअल एजुकेशन लेके घूमते हैं, बट सेल्फ एजुकेशन नहीं लेना चाहते कि अपने माइंड के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें, वो नहीं लेना चाहते, राइट? तो डू नॉट ट्राई टू सो रिच, बिकम रिच, दैट्स द लेसन। हालांकि इस किताब से नहीं है, बट मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था, सो आई वांट टू शेयर विद यू। द फर्स्ट लेसन, स्टार्ट एंड फिनिश। सेकेंड लेसन, डिस्ट्रैक्शन इज द ओनली लग्जरी पुअर पीपल हैव एंड दे एंजॉय। मैं फिर बोल रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन इज द ओनली लग्जरी पुअर पीपल हैव एंड एंजॉय, यानी जो डिस्ट्रैक्शन है वो गरीब और ब्रोक लोगों की लग्जरी है, बिकॉज दे आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। आप उनको देखोगे फोन उनके पास हमेशा रहेगा, फोन बार बार चेक करते रहेंगे, 10 काम करते रहेंगे, दे आर नेवर फोकस्ड। और आपको मैं बता दूं, आज के इस डिस्ट्रप्टिव टाइम में अगर आपने सिर्फ एक काम सीख लिया, एंड दैट इज हाउ टू स्टे फोकस्ड, यू विल बी डन। किसी भी काम को करने के लिए आपको दो काम चाहिए, फोकस नंबर वन, एंड नंबर टू विलिंगनेस टू डू दैट सेट। तो जब आपका फोकस ही नहीं होगा, आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो गए, यहाँ टीवी देख रहे हो, ये न्यूज देख रहे हो, इससे बात कर रहे हो, वो काम भी कर रहे हो, आपके दिमाग में पूरा दुनिया भर का डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होगा? आपके माइंड में एक टाइम में एक ही थॉट रह सकता है, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट थॉट। एक टाइम पे एक आदमी के दिमाग में एक थॉट राज कर सकता है, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस यहां है, इसके अलावा मेरे दिमाग कुछ नहीं है और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस वीडियो रिकॉर्डिंग में, आई कैन रिकॉर्ड इट। So distraction is the luxury for poor people. मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप उन ब्रोक एंड पुअर पीपल में जिंदगी भर रहना चाहोगे? देखिए, आज अगर आपके पास पैसे नहीं है, चलता है, लाइफ इज लाइक दैट वन, लेकिन अगर आज से एक साल बाद भी वही हालत है, एक से पांच साल बाद भी वही हालत है, इसका मतलब क्या है कि फिर आप चाहते नहीं हो। बहुत से लोग मुझे ईमेल करते हैं, वन टू वन करके आते हैं, एक साल पहले मीटिंग करके गए थे, मैंने कहा था कर लो, सीख लो, ज्वाइन कर लो सेल्स का सिकंदर सिस्टम, सीख लो सेल्फ एजुकेशन, सीख लो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, नहीं सर बताता हूँ पैसों पर, मैं लोन लोगे यार,
लोन लेके बहुत से लोग काम करते हैं ना, बाइक लोन ले लेते, सब कुछ करते हैं, सीख लो, नहीं किया आदमी हालत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेरा सिस्टम ही चल करना चाहिए, पॉइंट इज आपको काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना पड़ेगा। अब ये आदत है, ये हैबिट है, हाउ टू स्टे फोकस, राइट। 99% लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं, दैट्स कॉल्ड एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, राइट। तो ये बीमारी ठीक करना बहुत जरूरी है, और मेरा जो सिस्टम है सेल्स का सिकंदर, मैं उसमें ही बताता हूँ। आप आदमी बड़ा एरोगेंट है, बड़ा चौड़े की बात कर रहा है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके साथ अपने मत रखूंगा, मेरे पॉइंट्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, कामयाब लोगों की जिंदगी से निकाले हुए, प्लस मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए, और आज की मैं एक सक्सेसफुल आदमी, अब सक्सेसफुल पर्सन। आज से 5 साल पहले मैं कुछ और था, आज से 3 साल पहले मैं कुछ और था, और हर साल मैं अपने आप को चेंज करने का चैलेंज लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज, एंड आई हैव अ गोल एवरी ईयर टू इन्वेस्ट मनी ऑन माय एजुकेशन। पीपल आर बाइंग प्लॉट, गाड़ी घोड़ा, ये वो, ऑल आई एम डूइंग इन्वेस्टिंग माय मनी ऑन माय सेल्फ, ऑन माय सेल्फ, ऑन माय सेल्फ, ऑन माय सेल्फ, ऑन माय सेल्फ। Yes, I'm also investing money on other instruments, but most of the money I invest on myself and my business, on myself and my business. That's it. So, सबसे पहले अपने ऊपर, मैंने वीडियो बनाया था YouTube में, आप देखना जाके, सबसे दुनिया का बेहतर रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट व्हीकल कौन सा है? Is you, your mind. आपके बीच में जो आज जो आपको रोक रहा है वो आपका माइंड ही रोक रहा है, बस और कुछ नहीं। Your mind is stopping you. The first lesson, have a guts to finish what you start. Second lesson, distraction. Learn how to beat the distraction. Learn how to stay focused. किसी भी business में है, real estate, network marketing, life insurance, financial planner, factory owner, housewife, student, government job, whatever. B2B, have focus. And third lesson, hope is not the strategy. आपको IAS exam crack करना है, आपको IIT exam crack करना है, आपको real estate business में पैसा बनाना है, आपको network marketing में diamond बनना है, आपको sales coach बनना है, आपको trainer बनना है, आपको YouTuber बनना है, आपको influencer बनना है, आपको doctor बनना है, आपको वकील बनना है। तो देखिए, हर industry में कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और ज्यादा लोग मीडियोकर होते हैं। तो आईएएस के एग्जाम में तो कोई बैठ सकता है, बट कितने परसेंट लोग हैं जो रियली ग्राउंड लेवल पे आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं? सवाल ये है, कितने लोग जो दिन में 7 से 8 से 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं? अमर की मेरा ध्यान लेस देन 1%। सिमिलरली सेल्स में, बिजनेस में कितने परसेंट लोग हैं जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं? दे रीड देयर इंडस्ट्री, दे रीड देयर नॉलेज, दे रीड देयर नॉलेज, दे रीड अबाउट देयर इंडस्ट्री, द बिजनेस, द मार्केट, द पीपल स्किल, द ह्यूमन नेचर, द पर्सुएशन, द साइकोलॉजी, द फाइनेंस, द मार्केट। कितने लोग हैं जो एक्चुअली स्टडी करते हैं इस चीज में? लेस देन 1%। So what people say, sir, मेरे को पैसे कमाने हैं। Why not? Are you willing to work for that? Yes, I will do anything for that. And I say, okay, 1 hour, let's do practice. Let's do role play. No, sir, वो मेरे पास time नहीं है। Then why are you talking about that? You don't want it. Knowledge is not waste of time. If you have knowledge, then when you apply it. So prepare. Prepare your craft, study your craft, read about it, learn. इस मेरी किताब में ही लिखा हुआ है जो आपको मैं बता रहा हूँ लेसन, कि अगर आपको सेल्स में कामयाब होना है, बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आप सेल्स मीटिंग के लिए जा रहे हो, क्या आपने उस मीटिंग के लिए रोल प्ले करके प्रैक्टिस करी? क्या सवाल पूछूंगा, कैसे सवाल पूछूंगा, क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या प्राइस फैक्टर्स है? नहीं की तो चांसेस तो सेल्स लूज करोगे करोगे आप। It takes practice, it takes preparation. Prepare to become the best version of yourself. Do not compete with anybody. Prepare. Become valuable. Become influential.
and it will take work. It will not happen by watching video on YouTube. It can give you a concept, that's it. But you have to work on the ground. If you are watching, suppose you are watching me on YouTube or Facebook anywhere, that's my skill. But you cannot become what you want to become in your life just watching me. So my mentor taught me, if you are watching somebody else, that is his or her skill. If you want to develop that skill, you have to go deep and go grounded and do the work. So in my system, I ask people, okay, let's make phone call. So I ask people, let's make a live phone call. So my system ke andar main logon se live customer ko phone karwata. Let's make a phone call, follow phone call, and I record the call. And I make people, let's do role play. How do you talk to customer? How do you handle objections? Client bolta hai, aapke bahut mehenga product hai. How do you handle it? Jitne bhi tarah ke objections hai, wo sare objection ek ek karke hum usko handle karna sakte hai. Time pass nahi ho raha yahan pe. Aur agar abhi tak aap system mere saath mein bane ho is video mein, to uske liye aapko thanks kehna chahta hu. Aur haan, meri baatein straight forward hoti hai. Main straight forward hi baat karna chahta hu. राइट हर एक इंसान का अपना एक ट्रेड होता है, एक अपना आउरा होता है. मेरा स्टेट फॉरवर्ड एंड दैट्स माय यूएसपी. सो अगर आप वाकई चाहते हो कि जो मैंने इससे आपको फिलोसफी बताई सेल्स का सिकंदर किताब से कुछ बातें अगर आपको मेरी समझ में आ रही है और आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो और वाकई आप महीने में 1 लाख रुपए से 3 लाख से 5 लाख से 10 लाख महीने में कमाना चाहते हो लीगल तरीके से और स्मार्टली काम करना चाहते हो, तो या तो मेरी बात को मानो आप और ना मत मानो. अगर मानना चाहते हो तो मेरे साथ एक 1-to-1 लाइव कंसल्टिंग कॉल बुक करो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. उस कॉल में आपको दिखाऊंगा 3 स्टेप्स में कैसे ये 1 लाख महीने की इनकम कमाना शुरू किया. अगर 1 लाख कमा रहे हो तो कैसे 3 लाख में आते हैं, 3 लाख कमा रहे हो तो कैसे 10 लाख में आते हैं, अगर 10 लाख कमा रहे हो कैसे अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं टू गो टू नेक्स्ट लेवल. You can subscribe this channel. If you want this book as a gift for free, once you click on the link to get a one-to-one with me, I will give this book free as an ebook. You can subscribe this channel, give me your comments if you like the concept. So let me recap the 3 points. The first point, have a guts to finish what you start. Second point, distraction is the only luxury poor people enjoy. So don't be distracted, be focused. And third point, it takes practice and preparation and willingness to work to become successful in life for anywhere. Apply this. Thank you very much for being with me here. I know you are somebody, you are seen. Otherwise, aap yahan mujhe dekh nahi rahe hote. Thank you very much. All the best. Take care. We'll see you 1-to-1 with me.